वेलकम बैक। खबरों की फिर से शुरुआत करते हैं। मतदान का दूसरा चरण और 52% निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील है। 87 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होगी और 3 से ज्यादा प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 140 के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और 6 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। ये पूरी डिटेल सामने आ चुकी है। दरअसल 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं और उससे पहले देखिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है। तो वही मतदान का दूसरा चरण और 52% निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील है। संवेदनशील क्षेत्रों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और इससे पहले भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन था तो उस दौरान भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। सेकंड फेज के इलेक्शन की बात करें तो 87 लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होगी और 3 से ज्यादा प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 140 के पास 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। साथ ही साथ 6 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। और देखिए वहीं पर दूसरे चरण के जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरे उनमें से 46% 46% जो प्रत्याशी है वो करोड़पति भी हैं और ये महिला उम्मीदवार फिलहाल बताई जा रही हैं। तो लगातार देखिए जो डेटा है वो अखबारों में बताई गई इसकी जानकारी। दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में चुनाव होने हैं और इन सीटों पर 91 प्रत्याशी चुनावी रण में है। 42 यानी कि 46% 46% प्रत्याशी करोड़पति है। 18 प्रत्याशियों पर गंभीर आपराधिक के मामले, हालांकि एक अखबार में बताया गया है, दूसरे अखबार में थोड़ी अलग जानकारी दी गई है। और इस बीच चुनावी हलफनामे में अमित शाह के पास में 36 करोड़ की संपत्ति है पर कार नहीं है ये बताया गया है और ओवैसी के पास में 23 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो कि हैदराबाद से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल, 13 राज्य हैं और 89 लोकसभा की सीट है और इन पर होने वाली है वोटिंग। मतदान का दूसरा फेज और इसके तहत 26 तारीख को वोटिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि 52% जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो संवेदनशील हैं। इसमें आप देखिए छत्तीसगढ़ की जो 3 लोकसभा सीटें हैं, क्योंकि अगर हम उन राज्यों की बात करें जहां पर नक्सलाइट एरिया ये सब तमाम जो जगह हैं वहां पर भी जो सुरक्षा के लिहाज से है तमाम तरह के तगड़े बंदोबस्त जो हैं वो देखने को मिलेंगे दूसरे चरण में भी। और अगर हम बात करें स्टेट वाइज तो असम की 5 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3 सीट, कर्नाटक की अगर बात करें तो 14 सीट, केरल की बात करें तो 20 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर वोटिंग होने वाली है। इसे मध्य प्रदेश के 7, महाराष्ट्र के 8, मणिपुर के 1, त्रिपुरा के 1, जम्मू कश्मीर के 1, राजस्थान के 13, यूपी के 8 और पश्चिम बंगाल की कुल 3 लोकसभा की सीटें हैं जिन पर दूसरे चरण के तहत होने वाली है वोटिंग। और इसको लेकर के सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम अभी से शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस पूरे डेटा को, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रंजना ने आप तक जानकारी पहुंचाई कि इसमें 140 के पास 5 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति है, 6 प्रत्याशियों ने अपनी संपत्ति को शून्य घोषित कर दिया है, यानी कि उनके पास संपत्ति नहीं है जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये जानकारी दी जाती है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हॉट सीट कोटा की, क्योंकि लोकसभा में हैट्रिक की तैयारी में सब ओम बिरला है। किनारे पर हिलोरे मार रही क्षेत्र की सियासत और आप देखेंगे कि किस तरीके से कोटा में एक आप देखिए कि चुनावी जो बिसात है वो यहाँ पर बिछी हुई है दूसरे फेज में ही, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ओम बिरला को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है और ओम बिरला ने बतौर, आपने देखा कि लोकसभा स्पीकर के तौर पर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और इस बार सबकी निगाहें रहेंगी कोटा बूंदी के इस लोकसभा क्षेत्र पर जहां से ये हाई प्रोफाइल सीट है। ओम बिरला खुद चुनावी मैदान में हैं। बीते रोज आपको याद होगा कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, अमित शाह भी चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। रंजना आपके पास, और देखिए चुनावी हुंकार भरते नजर आए थे अमित शाह और 400 पार की बात करते हुए कांग्रेस के पेट में दर्द होता है और वह झूठ फैला रहे हैं। 400 सीट भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा, ये झूठ के सरदार हैं और हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 साल से है। आपने 2014 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 2019 में भी पूर्ण बहुमत दिया और हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। हमें बहुमत मिला, हमने अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाया, हिंदू सिख बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA लेकर आए। यानी कि देखिए 10 साल में जो भी उपलब्धियां थी मोदी सरकार की वो यहां पर गिनवाते हुए नजर आए और 400 पार का लक्ष्य जो NDA लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरी है उसे लेकर हुंकार भरते हुए नजर आए साक्षी। चुनावी फिजा में चुनाव की खामोशी देखने को मिल रही है। उम्मीदें चुनाव जैसी अमन कायम रहे यही मुद्दा और यही आरजू प्रत्याशियों की परीक्षा है। इससे पहले एक बड़ी खबर, महावीर जयंती पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। देश के समस्त परिवार जनों को
शुभकामनाएं। ये पीएम कहते हुए भगवान महावीर के संदेश प्रेरणा स्रोत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। शांति और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर, ये भी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। और आज तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे, क्योंकि आज भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव की शुरुआत हो रही है। आप महिमा, आपके पास कुछ डिटेल? वही एक्स पर जो पोस्ट किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने 15 मिनट पहले लिखा एक्स पर, महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवार वालों को मेरा अनंत मेरी अनंत शुभकामनाएं। शांति संयम सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज है। तो ये एक्स पर जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी, वही पोस्ट हम दिखा भी रहे हैं। और फिलहाल ये पोस्ट किया गया है 2623 साल पहले भगवान महावीर के जन्म के साथ दुनिया में अहिंसा का नया युग शुरू हुआ था। और देखिए, एक तरफ जहां युद्ध के 3 नए मोर्चे खुलने से दुनिया आदृत विश्व युद्ध के बाद फिर काफ़ी गंभीर मोड़ पर खड़ी हुई है, ऐसे में भगवान महावीर के संदेश अहिंसा परमो धर्म और जी और जीने दो ज़्यादा प्रासंगिक है। अखबारों में फिलहाल ये लाइन्स लिखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर वो पोस्ट। और देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाया जाता है और आज इस जन्म उत्सव को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और वो आपकी स्क्रीन पर, इस बार महावीर जयंती आज मनाई जा रही है। भगवान महावीर को वर्धमान वीर और अतिवीर और साथ साथ में समन्वयी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। और जैसा कि महिमा आपको बता रही थी कि जहां पर युद्ध के अलग अलग मोर्चे खुलते हुए नजर आ रहे हैं विश्व की अगर बात की जाए, तो ऐसे में महावीर जयंती पर एक शांति का पैगाम दिया जा रहा है। जैन धर्म का समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, वहीं इस दिन भव्य जुलूस भी अलग अलग जगहों पर निकाला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिलहाल एक्स प्लेटफॉर्म पर आप ये पोस्ट देख रहे हैं, जहां पर महावीर जयंती के पावन अवसर पर देश के समस्त परिवारजनों को मेरी अनंत शुभकामनाएं पीएम के द्वारा लिखा गया है। बात एक बार फिर से चुनावों की, चुनावी फिजा में चुनाव की खामोशी देखने को मिल रही है। उम्मीदें चुनाव जैसी अमन कायम रहे, यही मुद्दा और यही आरजू है। प्रत्याशियों की परीक्षा चल रही है, जम्मू सीट पर महसूस नहीं हो रही है सियासी गर्मी और 10 साल से काबिज भाजपा को हैट्रिक की आस इस बार लगातार बनी हुई है। महिमा, बिल्कुल, इसलिए चुनावी फिजा में चुनाव की खामोशी नजर आ रही। जम्मू सीट पर आखिर क्या हाल है वो आपको साक्षी ने बताया। आगे बढ़ते हैं, अरहर दाल की कीमतें बढ़ी, सरकार की चिंता भी बढ़ते हुए फिलहाल नजर आ रही है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जमाखोरों पर कार्रवाई की चेतावनी फिलहाल दी गई है। दाल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, खपत के मुकाबले उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम है और इसीलिए मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए इस वक्त नजर आ रही है। खपत के मुकाबले उत्पादन कम है, अरहर दाल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए सरकार की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे आईपीएल मैच की और सनराइजर्स हैदराबाद की, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है। एक बार फिर से चौथी जीत हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की और घर में ही दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो हारते हुए फिलहाल नजर आई। हैदराबाद के खिलाफ मैकगर का बल्ला गरजते हुए नजर आया, इस आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक उनकी तरफ से जड़ा गया। अभिषेक और हेड को फिलहाल पीछे छोड़ा, लेकिन अगर हम अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात करें, ट्रेविस हेड एक बार फिर से काफ़ी अच्छी पारी खेलते हुए कल नजर आए थे। हालांकि अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट फिलहाल अभिषेक शर्मा का यहां पर ज़्यादा अच्छा रहा एज़ कम्पेयर ट्रेविस हेड के, लेकिन फिलहाल मैकगर का बल्ला काफ़ी अच्छे तरीके से कल चला है और सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए नजर आई है। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हम कह सकते हैं कि तारे दिखा दिए यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की इस टीम ने। अच्छा, इस वक्त क्योंकि मेरे पास दैनिक भास्कर है और जो खेल का सेगमेंट होता है उसमें हेडलाइन यही है कि फिर चमके सनराइजर्स हैदराबाद ने 266 में 7 रन बनाकर दिल्ली को 67 रन से हरा दिया। इस आईपीएल में लगातार हम देख रहे हैं कि जो रन है वो 200 पार ही बनते जा रहे हैं। हालांकि जब भी कोई टीम 100 रन के आसपास 150 रन के आसपास बनाती है तो फिर उसको चेस करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन इस बार हम देख पा रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है लगातार अच्छा प्रदर्शन इस वक्त करते हुए फिलहाल नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल, देखिए, सनराइजर्स ने कई विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त किए जिसका जिक्र महिमा भी कर रही थी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और शहरों में बढ़ रहे हैं आघात, मिर्गी और पार्किंसंस। दिमागी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यबल गठित और तंत्रिका तंत्र के विकार के चलते होती है मौत। वैश्विक स्तर पर हर साल 90 लाख लोगों की मौत है।
तो ये एक रिपोर्ट, ये जानकारी आपको दे रही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जहां शहरों में बढ़ रहे हैं आघात, मिर्की और पार्किंसंस और दिमागी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्यबल गठित, तंत्रिका तंत्र के विकार के चलते होती है मौत और वैश्विक स्तर पर हर साल 90 लाख लोगों की मौत। आगे बढ़ेंगे, आशंका, भारतीय छात्र की मौत का मामला, मोबाइल पर दोबारा जिंदा हुई ध्रुव, आत्महत्या के लिए उकसाने वाला खेल। आपको याद होगा कि एक लंबी बहस एक दौर में चली थी ब्लू वेल गेम को लेकर के, जिसमें किस तरीके से टास्क दिया जाता था, और अब यहाँ पर आशंका जाहिर की जा रही है। यहाँ पर दरअसल इस पूरे मामले में आप देखेंगे, मेरे पास भी NBT है और इसमें यहाँ पर एक छोटे से कॉलम में कहा गया है कि भारतीय की मौत में ब्लू वेल व गेम का एंगल, क्योंकि भारत में तो एक्शन लिया गया था ब्लू वेल गेम पे, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अमेरिका में मार्च में फर्स्ट ईयर के भारतीय छात्र की मौत के केस में एक नया एंगल सामने आया। आशंका है कि मामले के पीछे ब्लू वेल चैलेंज गेम था, जिसे सुसाइड गेम भी कहा जाता है। छात्र दरअसल यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था, उसका शव जंगल में मिला था और उसके बाद अधिकारियों ने ये एंगल निकाला, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ब्लू वेल गेम को लेकर के चर्चा हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा गेम है जिसमें जो भी खेलता है उसको अलग अलग टास्क दिया जाता है, और जो टास्क का जो सबसे अंतिम लेवल है वो ये कि आपको अपनी ज़िंदगी खत्म करनी होती है। इसको लेकर के जब ये पूरा मामला सामने आया था तो हमने देखा था कि भारत में भी छोटे छोटे बच्चे कैसे इस गेम को लेकर के वो एक तरीके से एडिक्ट हो गए थे। उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया, गेम पर तमाम पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन अब जो पूरा मामला सामने आया है अमेरिका में, जहाँ पर भारतीय की मौत के पीछे जो आशंका जाहिर की गई है वो ये कि इस गेम के पीछे भी यही गेम है, ब्लू वेल गेम, जो कि इस पूरे मौत की वजह है। प्रिया, एक ऐसा ही गेम पोकेमोन भी आया था, जिसमें पोकेमोन कैच करने के साथ साथ में इसी तरीके से बच्चों की जान और स्टूडेंट्स की जान काफी ज्यादा नुकसान उनको हुआ था। बहरहाल आगे बढ़ते हुए चुनाव से संबंधित खबर का जिक्र कर लेते हैं। ये आंकड़े विपक्ष को चुप करा देंगे। लगातार बढ़ रही है देश में नौकरियां, और पिछले 6.5 यानी कि 6.5 साल में नौकरियां बढ़ी हैं, तेजी से कम हो रही है बेरोजगारी, ये डेटा सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि आंकड़े विपक्ष को चुप करा देंगे। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते भी आए हैं प्रिया कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं, हम लोग राशन वितरित कर रहे हैं और अगले 5 साल भी राशन ऐसे ही वितरित किया जाएगा, नौकरियां बढ़ रही हैं, और ये डेटा विपक्ष को चुप कराएगा। अब ये डेटा भी सामने आ गया। बिल्कुल, और बेरोजगारी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के देश की सियासत बेहद तेज रही है और विपक्षी दल इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठाता है, लेकिन अब ये जो आंकड़ा सामने आया है वो ये बता रहा है कि बीते अगर 6.5 साल के आप डेटा देखें तो आपको ये पता चलेगा कि बेरोजगारी कम हुई है और लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है। ये जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर चुनावी दौर में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, कहा जाता है कि मेक इन इंडिया के साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से तमाम तरह के जो कदम हैं वो उठाए जाते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाता है, किस तरीके से उन तक तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाई जाती हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात भी हुई, लेकिन इसी बीच डेटा सामने आया और यही कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है वो विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब है। और प्रिया, रोजगार मेला भी प्रधानमंत्री के द्वारा कितने बड़े स्तर पर, जहां पर आपको जो पत्र थे वो वितरित किए गए, रोजगार पत्र। आगे बढ़ते हैं, IMF की शरण में पाकिस्तान, पाकिस्तान ने फिर मांगी $6 अरब की मदद, भीख मांगते हुए पाकिस्तान एक बार फिर से नजर आ रहा है। क्लाइमेट फंडिंग के तहत राहत पैकेज का अनुरोध कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रतिनिधि अमेरिका पहुंचे, मई में जो शर्तें हैं वो फिलहाल तय होंगी, ये खबर मिल रही है, लेकिन IMF के शरण में इस वक्त पाकिस्तान, आपके अखबार में इसको लेकर जानकारी। और महिमा, इसी से संबंधित, क्योंकि पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, और ऐसे में US ने चाइना और बेलारूस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए इसी वजह से, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना और बेलारूस मिसाइल सप्लाई कर रहे थे। ऐसे में US का ये मानना है कि चाइना और बेलारूस अगर पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज मिसाइल सप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान क्योंकि बदहाली से जूझ रहा है तो वो इनके जो फॉर्मूला है वो अफगानिस्तान और दूसरी कंट्रीज को सेल आउट कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और इसी डर से फिलहाल उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा दिए गए, जो कि साफ जाहिर करते हैं कि IMF ने क्यों यहां पर इस तरीके की बात पाकिस्तान के लिए कही है। बढ़ते खबरों में आगे, सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी, आखिरी किला बचाने की जद्दोजहद में नक्सली, बस्तर में अस्तित्व बचाने के लिए लगा रहे हैं जोर, और अर्बन नेटवर्क के सहारे लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सली, आदिवासी को बांटने में लगे नक्सली।
तो ये देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर, और ख़ास तौर पर क्योंकि आप देखेंगे बीते कुछ वर्षों में तो वो इलाके जो कि अपूरी तरीके से एक वक्त पर वहाँ पर नक्सलियों का दबदबा होता था, उन इलाकों पर सुरक्षा बलों की पहुँच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका प्रमाण बीते दिनों जो अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर में देखा गया, जहाँ पर 29 नक्सलियों को ढेर किया गया, ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे सुरक्षा बलों की जो पहुँच है, जो उनकी दमक है, वो तमाम इलाकों तक बढ़ चुकी है। बस्तर में अस्तित्व बचाने के लिए नक्सली जोर लगा रहे हैं, और क्योंकि नक्सली स्थानीय लोगों को आड़ बनाते हैं, उनकी आड़ लेते हैं, उनको अपने सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आदिवासियों को बांटने का वो काम कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने बता दिया है कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करके ही वो चैन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। शोध में दावा, डूब रहे हैं चीन के आधे शहर, खतरे में 27 करोड़ लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ते वजन से डूब रहे हैं शहर, बीजिंग और शंघाई समेत कई शहरों में लैंडस्लाइड, 45% शहरी भूमि 3 किलोमीटर प्रति वर्ष डूब रही है, 16% भूमि 10 मिलीमीटर से ज़्यादा की दर से डूब रही है। चीन जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी जो विस्तारवादी सोच है उसका हमेशा हमने प्रमाण देखा है, लेकिन चीन अपने मुल्क में आप देखिए जो धड़ल्ले से ये तमाम जो डेवलपमेंट्स, जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा है, इसको बनाने में वो जो मौजूदा संरचना है उसको कैसे प्रभावित करता है, इसमें ये जानकारी सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अलग अलग जगहों पर जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरीके से जो वज़न उस पर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा झुक रही हैं, कई जगहों पर वो डूब रही हैं, और अगर ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वक्त में वो दिन बहुत नज़दीक होगा जब चीन का ये जो पूरा शहर है वो देखते देखते डूब जाएगा, क्योंकि हालात अभी भी बहुत ज़्यादा विषम बने हुए हैं। सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जैन धर्म के संदेश भाईचारे के लिए अलौकिक। पीएम मोदी ने लिखा है, सुबह 10 बजे नई दिल्ली में 2550वां निर्वाण महोत्सव। पीएम मोदी के द्वारा लिखा गया कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन होगा, और इस बीच डाक टिकट और सिक्का जारी करने का सौभाग्य पीएम नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई, और इससे पहले भी देखिए एक पोस्ट हम पीएम नरेंद्र मोदी का दिखा रहे थे, जो कि आज बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए सभी जो जैन धर्म के लोग हैं उनको नजर आ रहे थे। आज बता दें कि महावीर जयंती मनाई जाती है, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आज के दिन ये जयंती मनाई जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट फिलहाल एक्स पोस्ट पर हम आपको दिखा रहे हैं, जैन धर्म के संदेश सह अस्तित्व और भाईचारे के मार्ग को अलौकिक कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उद्घाटन के साथ ही डाक टिकट और सिक्का भी जारी करने का सौभाग्य उनको मिलेगा। और इससे पहले भी उनके द्वारा बधाई दी गई थी, शुभकामनाएं दी गई थी, ट्वीट उनके द्वारा किया गया था। जैन धर्म का समुदाय इस दिन जैन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करता है, और इस दिन भव्य जुलूस भी निकाला जाता है। बात करें महावीर जयंती की तो ये दिन सत्य और अहिंसा की ओर एक संदेश देता है, और इस बीच जैन धर्म के समुदाय के लोग पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि इस बार महावीर जयंती आज के दिन मनाई जा रही है। भगवान महावीर को वर्धमान वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। इन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग यहां पर दिखाया था। बढ़ेंगे आगे। शोध, एलियंस का रंग अलग होने का दावा, इंसानों की तरह हरी भरी नहीं बैंगनी होंगी एलियंस की दुनिया। तो देखिए एलियंस को लेकर समय समय पर जो वैज्ञानिक हैं वो शोध करते रहे हैं, रिसर्च करते रहे हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि इंसानों की तरह हरी भरी नहीं एलियंस की जो दुनिया होगी वो बैंगनी रंग की होगी, यानी कि एलियंस का जो रंग है उसको लेकर के हाल में जो स्टडी सामने आई, जो शोध हुआ है उसमें ये दावा किया जा रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में आपने देखा है कि एलियंस को लेकर के समय समय पर किस तरीके से चौंका देने वाले खुलासे, जो इनकी रहस्यमय दुनिया है उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं जो कि पूर्व में भी सामने आ चुकी हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि एलियंस पर बेस्ड कई सारी मूवीज़ भी बनी हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, लेकिन अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें ये कहा जा रहा है कि एलियंस का जो रंग है वो अलग है, वो इंसान जैसा रंग नहीं है, वो वहाँ की जो दुनिया है वो बैंगनी रंग की है। और इस बीच आगे बढ़ते हुए, कांग्रेस का मजबूत किला था देवरिया राम मंदिर, और आंदोलन से बीजेपी ने जमाई है जड़ें, सपा का भी रहा है दबदबा। कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की और साल 1996 में बीजेपी ने पहली बार जीत हासिल की थी। स्वर्ण मतदाताओं की भूमिका इसमें अहम रही है। प्रिया,
बिल्कुल, ये यूपी की हम बात कर रहे हैं और खास तौर पर अगर आप देवरिया सीट को अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक वक्त था जब कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ थी और कांग्रेस को कई मरतबा प्रतिनिधित्व का मौका मिला, लेकिन बीजेपी ने अपनी ज़मीन काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर ली और ऐसे में इस बार क्या परिणाम होता है वो देखना अहम होगा महिमा। बिल्कुल।